दोस्तों, अगर मैं आपसे सवाल करूं कि 2023 में अब तक सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला स्मार्टफोन कौन सा है, तो आपके जहन में सबसे पहला नाम कौन सा आएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला स्मार्टफोन किसी एंड्रॉयड डिवाइस बनाने वाली कंपनी का नहीं, बल्कि एप्पल का आईफोन 14 प्रो मैक्स है। स्मार्टफोन्स की फरोख्त के इदाद व शुमार जारी करने वाली कंपनी ओमेडा ने 2023 के पहले 6 माह के दौरान सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाले फ़ोन्स के बारे में बताया। इस रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से लेकर जून 2023 के दौरान एप्पल ने आईफोन 14 प्रो मैक्स के 2,65,00,000 से ज़्यादा यूनिट्स फरोख्त किए। दूसरे नंबर पर भी एप्पल का ही आईफोन 14 प्रो है, जिसके इस अरसे के दौरान 2,10,00,000 यूनिट्स फरोख्त हुए। तीसरे नंबर पर दुनिया में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला स्मार्टफोन एप्पल का ही आईफोन 14 रहा, जिसके 1,65,00,000 यूनिट्स फरोख्त हुए। चौथे नंबर पर भी एप्पल का ही आईफोन 13 मौजूद है, जिसके 1,55,00,000 यूनिट्स फरोख्त हुए। जनूबी कोरियन कंपनी सैमसंग के गैलेक्सी A14 के हिस्से में 5वां नंबर आया, जिसके जनवरी से लेकर जून के दौरान 1,24,00,000 यूनिट्स फरोख्त हुए। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि दुनिया भर में महंगाई की शरह में काफ़ी अरसे से इजाफा हो रहा है और लोगों की कुव्वतें खरीद मुतासर हुई है, मगर एप्पल के आईफोन अब भी सबसे ज़्यादा फरोख्त हो रहे हैं। जनवरी से मार्च 2023 के दौरान भी दुनिया में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाले फ़ोन्स में आईफोन का गलबा था। दर हकीकत रवान साल के पहले 6 माह के दौरान 1 से 4 नंबर पर सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाले स्मार्टफोन एप्पल के तैयार करदा हैं। दोस्तों, इस अरसे में आईफोन 14 प्रो मैक्स दुनिया में सबसे ज़्यादा फरोख्त होने वाला स्मार्टफोन साबित हुआ था। आपको क्या लगता है कि आईफोन की सबसे ज़्यादा सेल की क्या वजह है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मज़ीद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।